मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी जिसका देश में कोई इलाज नहीं। ये वंशानुगत होती है, अगर परिवार में किसी को है तो ये हो सकती है। ऐसा ही एक परिवार चाक घाट में रहता है। परिवार में पिता सहित 3 लड़के और 1 लड़की इस बीमारी से जूझ रहे हैं। माँ पूरी तरीके से ठीक है। इस बीमारी में शुरू के 10 साल तक जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद 10 साल तक पूरी तरीके से स्वस्थ रहता है, आम बच्चों की तरह चलता फिरता है, स्कूल जाता है। 10 साल के बाद धीरे धीरे शरीर सिकुड़ने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है जब बच्चा अपने पैरों में चल भी नहीं पाता। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह के कानों तक पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की, उचित जांच की बात कही है, भरोसा दिलाया है परिवार को, आपका जांच कराई जाएगी, आपका इलाज कराया जाएगा। ये इलाज केवल जर्मनी में ही संभव है। रीवा जिले के चाक घाट में अनुवांशिक बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जूझ रहे परिवार के 5 सदस्य गुहार के पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार से फोन में बातचीत की, उचित इलाज का किया आश्वासन। इस बीमारी से शरीर के अंग धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है आदमी लाचार हो जाता है, चल भी नहीं पाता। हालांकि शुरुआती 5-6 सालों में वह पूरे तरीके से ठीक रहता है। इस परिवार के बच्चे भी शुरू के 10 साल तक ठीक रहे, उसके बाद उनके शरीर के धीरे धीरे अंगों ने सिकुड़ना प्रारंभ कर दिया। पीड़ित परिवार द्वारा जब अपनी इस बीमारी को लेकर आवाज़ उठाई गई, ये आवाज़ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने SDM त्योंथर PK पांडे से पीड़ित परिवार से बात कराने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार से बातचीत की, उचित जाँच का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बीमारी से संबंधित सभी जांच व उपचार दस्तावेजों की फाइल तैयार कर भोपाल भेजे जाने हेतु SDM और कलेक्टर को कहा है। परिवार में 3 भाई मनीष, अनीश, मनोज व 1 बहन सुशीला के साथ पिता राम नरेश यादव इस बीमारी से जूझ रहे हैं। रिसर्च के बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अनुवांशिक बीमारी के लक्षण से संबंधित बताए गए हैं, जिसका इलाज जर्मनी में होने की बात कही गई है। बीमारी से पीड़ित मनीष यादव द्वारा बताया गया, जन्म से 10 वर्ष तक वह पूरी तरीके से ठीक रहा। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता उसके शरीर के अंगों ने सिकुड़ना प्रारंभ कर दिया। आज यह स्थिति है, वह ठीक से चल भी नहीं पाता, खड़ा भी नहीं हो पाता, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में साफ तौर से देख भी पा रहे हैं। आज स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पीड़ित परिवार से फोन में की गई बातचीत, साथ ही पीड़ित मनीष यादव और उनकी मां से बातचीत। प्रेमवती यादव, मनीष यादव की मां, क्या कुछ कह रही हैं, आप भी सुनिए। प्रेमवती यादव, जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपके परिवार से वार्तालाप की, क्या वजह थी और क्या भरोसा उनके द्वारा दिलाया गया? अब गदेलन की दवाई के बारे में वार्तालाप भाई, अब मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं कि दवा कराऊ, हम जहाँ दवा होत हो डॉक्टरी वहाँ दवा कराऊ, अब भरोसा दिला इन्हें आगे का करत हैं। किस प्रकार से समस्याएं बच्चों को हो रही है? बच्चा 5 साल तक बढ़िया पैदा भाए तब मोटा ताजा, 5 साल तक बड्डे मोटा ताजा, अब फिर जसद बढ़त जाए तो सर तो फिर दुबरा चला जाए, बढ़ा चला जाए, कुछ पता ही ना चला ही। अब आज इस हालत में हो गया है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? अब सरकार से तो उम्मीद रखते हैं सरकार हमारे बच्चन का दवाई करावे। यह बीमारी 7-8-10 वर्ष के बाद से शरीर धीरे धीरे सूखना शुरू होता है, जो हम लोगों ने बहुत सारा इलाज करवाया लेकिन हम लोग की बीमारी पता नहीं चली। और आज कई वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा माननीय शिवराज सिंह चौहान तक हमारी आवाज़ पहुंची
जो हमने गुहार लगाई थी, तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और हमारी बीमारी को लेकर के आज हमसे फ़ोन पर बात किए और उन्होंने ये कहा कि बेटा आप ठीक हो जाओगे, आप का इलाज हम करवाएंगे और कहाँ पर इलाज होगा हम पूरा बंदोबस्त करेंगे इलाज के लिए। तो माननीय सीएम साहब ने हमें फ़ोन पर आज आश्वासन दिए हैं। कौन सी बीमारी है आपकी जो मतलब ये प्रकार जो समस्याएं निर्मित हुई हैं, डॉक्टरों के माध्यम से आपको कौन सी बीमारी के विषय में बताया गया है? इस बीमारी का जब रिसर्च हुआ था तो डॉक्टर्स ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी का नाम दिया था, जो भारत में इलाज संभव नहीं है। दिल्ली के डॉक्टरों ने बताया था कि इसका इलाज विदेश में होगा, आउट ऑफ कंट्री, जर्मनी में। तो आप वहाँ तक इलाज करवाने में सामान्य परिवार के लिए संभव नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि सर आप बताइए कहाँ पर इलाज होगा, हम सरकार से मदद मांगेंगे, सरकार हमारी इलाज करवाएगी। तो हमने कई लोगों से गुहार लगाया और आज जा कर के जनप्रतिनिधियों द्वारा और क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा माननीय शिवराज सिंह तक हमारी आवाज़ पहुँची और वो हमारे मामले को संज्ञान में लिए। आपके घर में कौन कौन इस समस्या से पीड़ित हैं? मैं हूँ और मेरा भाई मनोज यादव और अनीस यादव और एक बहन है वो भी हैं और पिता श्री को भी बीमारी है। सबसे ज़्यादा समस्याएं मतलब किसको हो रही है? सबसे ज़्यादा समस्या देखना है तो सिस्टर को है, उसके बाद मुझे है और फिर भाइयों को भी है, जो कि चलने फिरने में समर्थ हो जाता है। छोटा वाला भाई भी चलता है मनोज, वो चला जाता है चाक घाट, जहाँ कहीं आना जाना होता है वो चला जाता है। और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। पहले हम लोग भी चलते थे, 7-8 किलोमीटर पैदल जाते थे स्कूल तक उधर, और अब तो एक पल भी चलना मुश्किल है और खड़े होने में भी दिक्कतें आती हैं, नहीं खड़े हो पाते हैं। इस बीमारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आपसे वार्तालाप की गई और क्या भरोसा दिलाया गया? इस बीमारी का निगमन आज 15-20 साल से लगातार चला आ रहा है। पहले जैसे खेलते कूदते भागते थे, सामान्य लोगों जैसे दौड़ते थे, धीरे धीरे ये बीमारी पकड़ती चली जा रही है और शरीर एकदम सूख गई है और अब चलने में असमर्थ हूँ। आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा हमारे परिवार के लिए ध्यान दिए हैं और बात भी हुई है उनसे और आश्वासन भी दिए हैं कि हम बेटा आपको जल्द से जल्द स्वस्थ करेंगे, इलाज के लिए हमारे प्रतिनिधि बोले हैं। जी नमस्ते सर, मनीष बताओ क्या तकलीफ है, जल्दी बताओ। सर हमारे घर में 5 लोग पीड़ित हैं जो शरीर सूख कर कंकाल होती जा रही है सर, और अच्छा। हम लोग अपना इलाज करवाना चाहते हैं सर, हम लोग ठीक होना चाहते हैं। कहाँ होगा इलाज तुम्हारा? सर दिल्ली में रिसर्च हुआ था, अभी तो डॉक्टर बताए हैं कि इसका इलाज विदेश में होगा, जर्मनी में सर। आप जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी जी सर, जी सर, मैं SDM निवेदन कर रहा हूँ। जी सर जर्मनी का बता रहे हैं सर। जी जी सर, सर 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 जी सर 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 नमस्कार।